भारत सरकार व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमलीहा में 300 छात्रों को टैबलेट वितरित किया गया। यहां मुख्य अतिथि बिल्हौर राहुल बच्चा सोनकर ने छात्रों को टैबलेट वितरित किया। टैबलेट वितरण में नर्सिंग छात्राओं को बड़ी संख्या में शामिल किया गया था। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख राजेश शुक्ला व मंडल अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी सहित भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मैनेजर व प्रिंसिपल के द्वारा सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की वो सरकार 37 वर्षों बाद को एक ऐसी सरकार रही जिसने अपने आप को दोहराया है, अपने कामों के माध्यम से लोगों के हृदय में जगह बनाई। इसका परिणाम ये रहा कि 2022 के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ विजयी हुए। जिस तरह से सरकार का वादा था शिक्षा के आधुनिकीकरण की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाएंगे और उसी कदम के तहत ये टैबलेट वितरण की योजना इस कृष्णा कॉलेज में आज संचालित हो रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ने एक नेक नियत के साथ आज एक टैबलेट वितरण का ये जो योजना बनाई है, जिस तरह से 4 दर्जन से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं और जन जन तक लोगों को उनका लाभ मिल रहा है, उसी योजना के तहत ये भी टैबलेट वितरण का एक कार्यक्रम चला है और निश्चित रूप से युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम होगा और इससे बहुत कुछ जीवन में आगे सीख सके। आज के कितने टैबलेटों को वितरण किया गया और किन छात्रों को दिया गया है? लगभग 300 टैबलेट की सूची जो उपलब्ध कराई गई थी उसके हिसाब से आज 300 टैबलेट यहां पर वितरित किए गए हैं। मुझे लगता है कि संख्या और भी बढ़ेगी क्योंकि यहां पर डिमांड ज़्यादा है, छात्र ज़्यादा है जिन्हें इस टैबलेट की आवश्यकता है। इसको उचित फोरम पर इस बात को रख करके सुविधा का लाभ सभी छात्रों को मिल सके इसके लिए प्रयास करें। आगे भी योजना जारी रहेगी? बिल्कुल, सरकार की योजना आने वाले 5 वर्ष तक जो मेधावी छात्र हैं, जो शिक्षा के लिए जागरूक हैं, उनको ये सुविधा जरूर मिलती रहेगी। ऐसा हमारी सरकार का उद्देश्य है।